इसराइल पर अगले 48 घंटे में मिसाइल अटैक हो सकता है। यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार की सुबह इसका टेस्ट किया, जिसके बाद कहा जा रहा है अगला एक हफ्ता इसराइल के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। दरअसल टेस्ट के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों को यह पता चल गया कि इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनकी मिसाइल को ट्रैक कर पाने में फेल रहा है। मिसाइल लॉन्च होती है और बढ़ जाती है इसराइल की तरफ, और फिर इसराइल से आए वीडियो देखिए। इन तस्वीरों में इसराइल का खौफ है, इसराइल डरा हुआ है। ये सायरन की आवाज नहीं, लग रहा है कि इसराइल में जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ। क्योंकि इसराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इसराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है। इसराइल की फौलादी दीवार में क्रैक आ चुके हैं। इसराइल की मिसाइल रोकने वाली ताकत पूरी तरह ढह चुकी है, और इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई है तो वो है इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। क्योंकि यमन से हुए हमले पर इसराइल का मिसाइल डिफेंस 100% फेल हो गया। इसराइल को बचाने वाला अमेरिका इस हमले को नहीं रोक पाया। इससे पहले इसराइल की तरफ जाने वाले ड्रोन और मिसाइलों को गिराने वाले 3 अरब देश सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र भी पूरी तरह फेल हो गए। इसराइल पर यमन की तरफ से हुए मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरें देखिए। रविवार तड़के 6:30 बजे इसराइल में सायरन बजने लगे, और फिर सड़कों और हाईवे पर ये हाल देखा गया। लोग बचने के लिए ऐसे छुप रहे थे। तेल अवीव से लेकर मोदीन शहर, ये 40 किलोमीटर का दायरा ऐसा था जहां इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंपैक्ट पॉइंट का अंदाजा लगाया। इंपैक्ट पॉइंट यानी वो जगह जहां मिसाइल गिरने की संभावना थी, और फिर मिसाइल गिरी कफार डैनियल में। ये जगह इसराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है। نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة وقد نفذت العملية। यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी, यानी इसकी रफ्तार थी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर। यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रेजेक्टरी में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के ऊपर से जाकर अपने टारगेट तक पहुंची। इस दौरान लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के एंटी मिसाइल सिस्टम इसे नहीं रोक पाए। सऊदी अरब और मिस्र भी देखते रह गए, और आखिर में जॉर्डन के अलावा इसराइल भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हुआ। אנחנו במערכה רב זירתית מול ציר הרשע של איראן שחותר להשמדתנו. הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע-קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. इसराइल अब मिसाइल के टुकड़े तलाश रहा है, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। वही मिसाइल जिसे वो ट्रैक तो कर पाया लेकिन मार नहीं पाया, ये इसराइल के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। यमन की मिसाइल के कुछ टुकड़े रेलवे स्टेशन के एस्केलेटर पर भी मिले थे, तब यहाँ कोई नहीं था, इसलिए घायल कोई नहीं हुआ, लेकिन होता तो क्या होता। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसराइल को अब अपने एयर डिफेंस की मरम्मत करने की जरूरत है, क्योंकि वो यमन के हमले में पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। रिपोर्ट है कि इसराइल ने यमन की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 20 एयर डिफेंस मिसाइल दागी। आसमान में धुएं की ये सफेद लकीरें इसराइल की नाकामी साबित कर रही है। इसराइल के सिक्योरिटी एक्सपर्ट योसी मेलमन ने कहा है कि यमन की मिसाइल ने इसराइल के पूरे एयर डिफेंस को भेद डाला। इस हमले में इसराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इस हमले में इसराइल का डेविड स्लिंग सिस्टम फेल हो गया। इस हमले में इसराइल का वर्ल्ड फेमस आयरन डोम भी फेल साबित हुआ है।
इसराइल ने जिस दीवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, जो दीवार उसने अपने आसमान के चारों तरफ तैयार की थी, उसे यमन की एक मिसाइल ने चकनाचूर कर दिया है। यमन का दावा है कि उसने ऐसी जगह को टारगेट बनाया जिसकी वजह से करीब 25 लाख इजरायली लोगों को शेल्टर में फौरन भागने की जरूरत पड़ी। ان هذه العمليه تاتي في اطار المرحله الخامسه وجاءت تتويجا لجهود ابطال القوه الصاروخيه الذين بذلوا جهودا جباره في تطوير التقنيه الصاروخيه حتى تستجيب لمتطلبات المعركه وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول الى اهدافها। ऐसे कई मिसाइल हैं जिन्हें यमन के हूती विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हूती विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन इसराइल का दूसरा बड़ा खौफ है। इसराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है। इन हथियारों के साथ यमन के हूती विद्रोहियों की सबसे बड़ी डिमांड है कि वे इसराइल गाजा पर बमबारी बंद करें। जब तक ऐसा नहीं होगा वो इसराइल पर हमले करते रहेगा। पश्चिम एशिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से यमन के हूती अब तक इसराइल के 80 जहाजों को टारगेट कर चुके हैं। यमन के हमले ने युद्ध के दायरे को 10 गुना बढ़ा दिया है। पश्चिम एशिया से अमेरिका की जमीन तक इस हमले की धमक सुनाई दे रही है। सबसे बड़े खतरे की घंटी अब संयुक्त राष्ट्र में भी लगातार बज रही है। To Gaza as the war continues to inflict unspeakable suffering on hundreds of thousands and has extended its destabilizing effects across the broader region. These destabilizing effects, Mr. President, have also affected Yemen negatively. Ansar Allah has continued attacks on vessels in the Red Sea, threatening regional stability and international maritime security. इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसराइल में यमन की तरफ से हमलों के बीच नेतन्याहू को अब अपने तेल के कुओं की चिंता सता रही है, क्योंकि यहां पर हमला रोकना आसान नहीं होगा। डर है कि यमन के हूती अब इसराइल के तेल के कुओं और गैस फील्ड पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। भूमध्य सागर में इसराइल के कई तेल और गैस के भंडार हैं और यहां उसके ऑयल रिग्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है। यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते हैं। इन पर हमलों को रोक पाना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है कि इसराइल की एनर्जी इंडस्ट्री की तबाही। भूमध्य सागर में इसराइल की तमार, लेवियथन और करीज गैस फील्ड है। यहाँ इसराइल हर साल 21 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है। इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है। 19 जुलाई को जब तेल अवीव में आधी रात 3 बजे हमला हुआ था, तब धमाका बहुत बड़ा था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि 10 लोग जख्मी हुए थे। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन से हुए इस धमाके ने इसराइल को बुरी तरह हिला कर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, सायरन बजने लगे। आखिर इसराइल की राजधानी में दुश्मन का याफा नाम का ड्रोन कैसे घुस गया? कैसे इसराइल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकनाचूर हो गया? याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समद 3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब इस ड्रोन का रूप देखिए जिसने इसराइल को चौंका दिया। ये ड्रोन लाल सागर के ऊपर से होते हुए स्विज नहर के ऊपर से गुजरा। नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप देखते रह गए। कोई इस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद ये ड्रोन भूमध्य सागर की तरफ से इसराइल में घुसा। इसराइल के बड़े बड़े रडार इस ड्रोन को नहीं ट्रैक कर पाए और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टारगेट पर बड़ा धमाका किया। 2000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूती विद्रोही इसराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं, चाहे वो उसके शहरी इलाके हों, चाहे वो उसके ऑयल रिग्स हों या फिर इसराइल के बंदरगाह। इसराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इसराइल के ऑपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए हैं। 11 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इसराइल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच गया है।
מי שזקוק לתזכורת בעניין זה, מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה שתביא להשמדתו ולשחרור כל חטופינו. नेतन्याहू हूती विद्रोहियों को जिस हुदैदा पोर्ट पर हमले की याद दिला रहे हैं उसकी तस्वीरें देख लीजिए। 20 जुलाई को यही वो हमला था जब इजराइल के फाइटर जेट्स ने यमन के तेल डिपो पर बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदैदा बंदरगाह जलने लगा। यमन को भी पता लग गया है कि हूती विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है उससे युद्ध गजा के खंडरों से निकलकर अब उसकी जमीन पर पहुँच गया है। على العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية السابع من أكتوبر المباركة منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم. इसमें कोई शक नहीं है कि यमन का गुस्सा सातवें आसमान पर है और यमन की पब्लिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है। गाजा को लेकर फैले आक्रोश में अब यमन सीधा इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किए, लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक है। इसमें यमन की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस को चीर डाला है और अब इजराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है। इसराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे हैं। खतरा अब इसराइल के तेल के कुओं पर मंडराने लगा है।